एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है, मतलब 10:45 होने लगा है, होने वाला है 10:40 हो गया है और अभी मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है। रीज़न ये है कि यहाँ बहुत ठंडी है। यहाँ क्या ठंडी तो सब जगह पड़ रही है, बट आज सच में बहुत ज़्यादा ठंडी है। ऐसा लग रहा है ओले ओले पड़े हैं। रात में पूरी रात बारिश चली है, मौसम इतना ख़राब है ना, इतना ख़राब है मेरे। मैं तो बहुत परेशान हूँ क्योंकि बहुत दिन से ना मौसम ऐसे ही है और मेरे कपड़े नहीं धुल पा रहे हैं। शाइन के कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं और धोएंगे कैसे, क्योंकि सूखने का नाम ही नहीं लेंगे। सच में मशीन में सुखाने के बाद भी थोड़ी बहुत धूप चाहिए होती है, लेकिन वो धूप तो नसीब है ही नहीं। बहुत ही अजीब सा मौसम है सच में। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है ना, क्योंकि शाइन के कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम लोगों के तो जैसे तैसे हैं, लेकिन शाइन क्योंकि दिन में 2-3 बार कपड़े पहन दे, मतलब उसका रहता ही है ये पहनना है फिर ये पहनना है, तो अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठंडी बहुत है। मैं एक स्वेटर पहनी हूँ लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम सब पूरा ना सील पैक किए हैं अपने घर, तो कहीं से हवा नहीं आ रही है, नहीं तो ठंडी बहुत है। मैं तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये सोच रही हूँ, हमने बहुत वीडियो में आपको दिखाया है कि हमारे जो सामने खेत है ना, उनमें बच्चे कैसे रहते होंगे। सच में उनका खेत पूरा भर गया है। और वो वाला मौसम तो ठीक था, गर्मियों का मौसम, भरा था पानी, कोई बात नहीं, बट इतनी ठंडी में वो कैसे रह रहे होंगे बच्चे, पता है, उसी पानी में ही मतलब खेल रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे कि शाइन से छोटे भी बच्चे हैं और उनका पूरा खेत भरा हुआ है। मौसम इतना अजीब है ना, सच में बहुत दिन से अजीब है, ऐसा ही है, क्योंकि बहुत दिन से धूप निकली ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल धूप का दर्शन हो ही नहीं रहा है। सोचो यहाँ पे धूप नहीं निकलती है क्या होता होगा। हम 7 दिन में ही परेशान हो गए। अभी चलते हैं, फिलहाल तो नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब है कुछ दिनों से, जब से मैं कपड़े नहीं धुल पा रहा है, हर जगह बस कपड़े पड़े हुए हैं और धुल पा नहीं रहे हैं, तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। आते हैं, हेयर्स को देखो मेरे, नहा लिया है मैंने भाई। मैं जल्दी नहा लेती हूँ, कितनी भी ठंड हो कुछ भी हो, हम नहा जरूर लेते हैं, उसके बाद ही जाते हैं किचन में। सो अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। बाय बाय। मेरी जिंदगी है तू। Don't be frightened, Buster. It's just your shadow. सो ब्रेकफास्ट लंच करने के बाद अभी बज रहा है, शाम का 4 बज गया है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खोया, क्योंकि आज हम गुजिया बनाएंगे। वैसे तो संक्रांति पे लड्डू बनते हैं, बट गुजिया हम इसलिए बना रहे हैं, गुजिया बहुत अच्छी लगती है, शाइन को पसंद भी है, और लड्डू तो मैंने मार्केट से मंगा लिए हैं, तो लड्डू नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा खोया वो था, मिल्क था 1 लीटर, 1 लीटर में 1 पाव खोया निकल आता है, ये देख सकते हैं आप। बस बहुत मेहनत लगती है, 1 घंटे तक चलाते रहो, बट दिल में एक तसल्ली होती है कि खोया हमने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है और इतनी मेहनत से बनाया है, तो और भी वो अच्छा लगता है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो हम इसमें मिला लेंगे चीनी, वो बूरा तो मेरे पास नहीं है, बट हम चीनी पीस के मिला लेंगे। तो इसमें ये ठंडा हो गया है तो हमने इसमें मिला लिया है चीनी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च। तो हम अब बनाते हैं गुजिया और शाइन बहुत एक्साइटेड है, वो ज़रूर बनाएगा। मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ, वो ज़रूर बनाएगा। सो कल है संक्रांति, सो मैंने क्या बना रहे हैं शाइन हम लोग? गुजिया। गुजिया, क्योंकि मैंने लड्डू कोई भी नहीं बनाया है। शाइन डोंट टच, बेटा डर्टी है ना, डोंट टच एनीथिंग। हाँ, तो मैंने लड्डू नहीं बनाया है। रीज़न ये है कि लड्डू ज़्यादा हम लोग खाते भी नहीं है, और खाएंगे थोड़ा बहुत तो बाजार से मंगा लिया है, इतना सारा हम शाइन के साथ नहीं बना सकते। बट हाँ, गुजिया थोड़ी सी पसंद भी है और अच्छी भी लगती है, तो ये मैंने खोया घर पे ही बनाया है जो आप लोगों ने देखा, और ये हमारा बन गया है और आटा भी लगा लिया है। अब हम बनाएंगे गुजिया। शाइन पता नहीं क्या करने वाला है, आई डोंट नो, बट ये कुछ ना कुछ तो करेगा ना, ऐसे तो बैठ नहीं सकता हमारा शाइन। क्या कर रहे हो शाइन? मेकिंग गुजिया। मेकिंग गुजिया, शाइन हमारा गुजिया बना के ही रहेगा है। शाइन बनाएगा? हाँ। हमारे घर पे तो बहुत बनती है, मम्मी बहुत गुजिया बनाती है। नानी बनाती है ना शाइन की? हाँ। कितनी बनाती है नानी? सो मच इन माय पॉट्स। नानी जब भी शाइन जाता है, नानी गुजिया बनाती है ना, बनाती है ना शाइन? लाइक गुजिया? यस। और मम्मा बनाएगा तब भी शाइन खाएगा? हाँ। ओह, शाइन लाइक गुजिया। ऐसे ही बनाती है मम्मा जैसे कि नानी अच्छा बनाती है? मम्मा अच्छा बनाता है बेटा। नहीं, मम्मा ने नानी से ही पूछ के बना रहा है, देखते हैं कैसे बनता है, क्योंकि हमने पिछली बार जब बनाई थी ना, तो वो घी में ना सारी फूट गई थी,
इस बार कैसा बनेगा हमें नहीं पता है, बट हम हर बार बनाते हैं, हर बार यही होता है हमारे साथ, बट कोई नहीं, हम हर बार ऐसी बना लेते हैं। और शाइन हमारी थोड़ी सी हेल्प कर देता है, जब तो शाइन छोटा था। व्हाट इज दिस, आज ठंडी बहुत है। स्वेटर तो है बट डोंट टच शाइन, डोंट टच, टच क्यों कर दे अगेन, डोंट डू दिस, व्हाई आर यू टचिंग, डर्टी हैंड। कल है संक्रांति, कल भी थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, ज्यादा तो नहीं करते, हाँ जब घर पे होते थे तब बहुत कुछ करते थे, अब अकेले इतना कुछ तो नहीं करेंगे बट थोड़ा बहुत। शाइन बेटा डोंट टच और मैं गुस्सा आ जाएगी, पता नहीं यार छोटा बनाए कि हीटर लगा देते शायद हम लोग ना, तो ठंडी नहीं लगती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारे बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट कर देता है, कुछ भी बोलो ये पहले करेगा। तो गुजिया 15-20 गुजिया बन गई है, अब हम जा रहे हैं फ्राई करने, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा काम करना है, शाइन को भी। देखो बना लेना, मम्मा मना कर रहा है, मम्मा जा रहे हैं ना, तो इस साइड बैठ के आप बना लेना, ओके मम्मा के साथ साइड बैठ के। You will sit here, I will sit here. मम्मा तो जा रहे हैं फ्राई करने। Okay. You go there, I will go there, and you. और ये वाला आटा टच नहीं करना, आप खराब कर रहे हो। ओके ओके ओके, हम जा रहे हैं फ्राई करने, लेकिन तुम यहाँ इस साइड बैठ के कर लो, मम्मा ये ले जा रहा है। ओके वेट वेट, जाओ क्या करना है, ये हम हटा दे रहे हैं। क्या बना रहे हो ये तुम? गुजिया। Without that, what I do? बेटा वो अब वो हम नहीं दे सकते आपको ना, आप ऐसे ही बना लो गुजिया विदाउट फिलिंग। किसको खिलाओगे ये वाली गुजिया? पापा। पापा को खिलाओगे? अच्छा, जो बेबी बनाएगा वो पापा खाएंगे क्या? अच्छा ठीक है। और मैं कुछ करूं, शाइन ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, शाइन ज़रूर बनाएगा, वो अपना बना रहा है। मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ गुजिया, शुगर है इस बार फूटी नहीं, और ये देखो ये इतनी फूल गई, इतनी फूल गई, मुझे लग रहा था फूट जाएगी, फूट जाता है ना तो घी पूरा बर्बाद हो जाता है। और ये हमारी गुजिया रेडी हो गई है, और शाइन हमारा वेट कर रहा है कि कब गुजिया आए और कब वो खा ले, क्योंकि गर्म गर्म ना बहुत अच्छी लगती है, वो जो अंदर की चीनी होती है ना वो पिघली हुई होती है तो और भी अच्छा लगता है। तो ये शाइन देखो बैठा हुआ है, इसने 3 गुजिया खा ली है और अभी भी लगा हुआ है,
सो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ. यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना. एंड हैप्पी संक्रांति माय यूट्यूब फैमिली. और आज बहुत ठंड है सच में, और कल तो और भी ठंड होने वाली है क्योंकि कल संक्रांति है. संक्रांति के दिन बहुत ठंड होती है. कल क्या करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. यदि आप वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. हैप्पी संक्रांति. बाय बाय, टेक केयर.